जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं आपका वही चिर परिचित दोस्त आज एक और नए टॉपिक को लेकर के हाजिर हूँ। जी हाँ दोस्तों, आजकल एक आम समस्या है घुटनों का दर्द। ख़ास करके ये बीमारी बुज़ुर्ग लोगों में ज़्यादा होती है। बुज़ुर्ग लोगों को इसकी समस्या ज़्यादा होती है दोस्तों। क्यों होती है ये समस्या और क्या है इसका निदान, ये हम आपको आज बताएंगे। सबसे पहले घुटनों में दर्द के कारण। घुटने में दर्द होने के कई कारण हो सकते हैं दोस्तों। इसके लिए जिम्मेदार कुछ प्रमुख कारण, अनियमित खाने का, यानी कि आपके खान पान का कोई नियम नहीं है तो ये आपके घुटने के लिए अच्छी बात नहीं है। वैसे खाद्य पदार्थों जिसको पचाने में काफ़ी वक्त लगता है, वैसे खाद्य की अधिक मात्रा में सेवन करने से घुटनों की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। घुटनों पर शरीर का अधिक बोझ पड़ने से भी घुटने में दर्द होता है दोस्तों। इसलिए अपने आप को कभी भी ओवरवेट ना करें दोस्तों, यानी कि मोटापा ना बढ़ने दें अपना। ठंडी के मौसम में अधिक ठंड के पड़ने पर भी जोड़ों में दर्द होना स्वाभाविक बात है दोस्तों। एक ही जगह पर कई घंटों तक बैठे रहने पर भी आपको घुटनों में दर्द की समस्या हो सकती है, इसीलिए टहलना जरूरी होता है। ज़्यादा चलने से भी पैर के घुटनों में दर्द होने लगता है दोस्तों। वजन बढ़ने से, यानी कि हमने बताया आपको कि मोटापा भी एक मुख्य वजह है। अब इससे कैसे बचा जाए, इसके लिए कुछ आसान तरीके हम आपको बता रहे हैं। गर्म पानी से मालिश करें। गर्म पानी से मालिश करने से भी घुटनों को आराम मिलता है। 1 लीटर साफ पानी को 2 चम्मच नमक मिलाकर 5 मिनट तक गर्म करें। कपड़े को गर्म पानी से भिगाकर घुटनों में करीब 5 से 10 मिनट रखें। इस प्रक्रिया को लगातार आधा घंटा तक करने से घुटने का दर्द कम हो जाता है। तेल मालिश। सरसों तेल में लहसुन के कुछ टुकड़े को डालकर कम से कम 5 मिनट तक गर्म कर लें, फिर उस तेल से घुटने की मालिश करें। इस प्रक्रिया को आप दिन में कम से कम 3 से 4 बार कर सकते हैं। इससे आपके घुटनों को बहुत लाभ मिलेगा दोस्तों। व्यायाम। पैरों से की जाने वाले व्यायाम को सुबह और शाम करें। जैसे खड़े होकर घुटनों को घुमाएं, धीरे धीरे पैरों को घुटने के सहारे मोड़ें और सीधा करें। ऐसा करने से घुटनों के दर्द में राहत मिलती है। अपने बिछावन पर बैठ जाएं, धीरे धीरे अपने पैरों को जमीन से ऊपर की ओर उठाएं और अपने जांघ के सीध में थोड़ी देर तक ले जाएं और उसी मुद्रा में 8 से 10 सेकंड तक रोके रखें। इसके बाद पुनः उसे पुनरावस्था, यानी कि नीचे की तरफ ले जाएं। रोजाना 5 से 10 बार इस प्रक्रिया को दोहराएं। योग। घुटने के दर्द से राहत पाने में योग भी मददगार साबित होता है। रोजाना आप लेट करके अपने पैरों को घुमाएं, जिस प्रकार हम साइकिल के पैडल को घुमाते हैं, इससे भी आपके घुटनों को लाभ मिलेगा। सबसे पहले आप जमीन पर लेट जाएं, फिर अपने पैरों को अपने कुल्हे के सहारे ऊपर उठाएं, फिर धीरे धीरे साइकिल चलाने के जैसा पैरों को घुमाते रहें। हल्दी चूने का लेप तथा हल्दी वाला दूध, दूध में हल्दी मिला करके गर्म करके भी अगर आप पीते हैं तो ये भी आपके घुटनों के लिए लाभकारी होता है दोस्तों। धन्यवाद। अगली बार हम आप सबसे एक और नए टॉपिक पर मिलेंगे।